आप सबने अपने मोबाइल में फ्लाइट मोड जरूर देखा होगा और आप सभी जानते होंगे कि फ्लाइट मोड का मेन यूज हवाई जहाज के यात्रा के दौरान किया जाता है। जब भी हवाई जहाज उड़ान भरती है तो हम सबको अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में करना होता है। लेकिन क्या होगा अगर उड़ान भरते समय मोबाइल को फ्लाइट मोड में ना रखें? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हम अपने मोबाइल के नेटवर्क को हवाई जहाज के उड़ान भरते समय भी ऑन रखें। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या होगा अगर फ्लाइट 10,000 फीट के ऊंचाई पर हो और अचानक हवाई जहाज में लगे खिड़की के कांच टूट जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्लाइट मोड हमारे फोन का एक ऑप्शन होता है जिसको ऑन करने पर आपका फोन ऑटोमेटिक नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो जाता है। इसमें फोन बिना स्विच ऑफ किए ही स्विच ऑफ की तरह काम करता है। अक्सर जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो यात्रा शुरू होने से पहले फ्लाइट अटेंडेंट की ओर से आपको कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिसमें आपसे बेल्ट बांधने से लेकर कई बातें कही जाती है जिसमें फ्लाइट उड़ने के दौरान फोन को स्विच ऑफ करना या फ्लाइट मोड में करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट में यात्रा के दौरान आपसे ऐसा क्यों कहा जाता है? और मान लीजिए यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो क्या होता है? आखिर मोबाइल फ्लाइट मोड में रखने के लिए क्यों कहा जाता है और ऐसा ना करने पर क्या मुश्किल हो सकती है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उड़ान के दौरान पायलट हमेशा रडार और कंट्रोल रूम के संपर्क में रहते हैं, लेकिन अगर फोन ऑन रहता है तो उन्हें दिक्कत होती है और उन्हें दिया गया निर्देश साफ नहीं मिल पाता, उनके कनेक्शन में दिक्कत आती है। ऐसे में अगर आपका मोबाइल या लैपटॉप उड़ान के दौरान ऑन रहता है तो पायलट को मिलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी में बाधा पहुंचती है। मान लीजिए अगर फ्लाइट में कई लोग ऐसा कर दे तो उन्हें काफी मुश्किल होता है। ऐसे में जब भी फ्लाइट में सफर कर रहे हो तो कुछ देर के लिए अपने फोन को फ्लाइट मोड पर ही रखें। इसमें आपके और आपके साथ सारे यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है। और क्या होगा अगर उड़ते हुए जहाज के खिड़की का कांच अचानक टूट जाए? अक्सर हम विमान में जुड़ी कई खबरें सुनते हैं लेकिन जहाज के खिड़कियों के टूटने की खबर शायद ही कभी सुनते होंगे, क्योंकि विमान अंदर से प्रेशराइज्ड होता है जिनकी वजह से खिड़कियां और उनके पल्ले या दबाव सहन करने के लायक होते हैं। कुछ हादसे ऐसे हुए हैं जिनमें इंजन का कोई टुकड़ा टूट कर खिड़की से लग जाता है जिसकी वजह से खिड़की टूट जाती है। आपको बता दें कि खिड़की टूटने से जहाज का भीतरी दबाव बाहर की तरफ रिलीज होने लगता है और केबिन में मनुष्यों के लायक लेने वाले हवा का दबाव कम होने लगता है। जहाज काफी ऊंचाई पर उड़ रहा होता है जिसकी वजह से केबिन का दबाव बाहर वातावरण की तरह होने लगे तो ऑक्सीजन और दबाव की कमी हो जाती है जिससे मनुष्य को सांस लेने में काफी कठिनाई होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर शारीरिक रूप से सहन कर सकता है, लेकिन जब अकस्मत यह ऊंचाई 35 से 36,000 फीट हो जाए तो उसकी ऐसी हालत होगी कि वो सोच भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, दबाव कम होने से रक्त धमनियां भी फट सकती है और नाक आदि से खून निकल सकता है। ऑक्सीजन की कमी तो सीट के ऊपर लगे उपकरणों से प्रायः 10 मिनट तक पूरी हो सकती है और कैप्टन इन 10 मिनट के भीतर विमान को 35-36 हजार से कम 10,000 फीट तक जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता है और जहाज को तेजी से नीचे लाता है। फिर भी इससे यात्रियों का शारीरिक नुकसान तो हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही खिड़की टूट जाती है वहां से केबिन की हवा तेजी से बाहर निकलने लगती है, ठीक उसी तरह जैसे फूले हुए गुब्बारे को खोल देने से हवा निकलती है। इतना ही नहीं, इससे जहाज की गति में तेजी आ जाती है, खुली हुई खिड़की के पास वैक्यूम हो जाता है। इसी तरह जब बाहर विमान की गति के कारण खिड़की के पास की हवा तेज हो जाती है तो खिड़की के भीतर और बाहर के बीच वैक्यूम हो जाता है जिससे खिड़की के पास बैठे यात्री उस वैक्यूम के चक्कर में बाहर की तरफ खींच जाता है और खिड़की में अटक जाते हैं। उस मनुष्य के शरीर का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है लेकिन खिड़की छोटी होने के कारण पूरा शरीर बाहर नहीं निकलता। आपको बता दें अप्रैल 2018 में साउथ वेस्ट एयरलाइंस में एक ऐसी दुर्घटना घट चुकी है। एक महिला उस खिड़की के टूटने पर खिड़की में बाहर के तीव्र वैक्यूम खिंचाव के कारण फंस गई थी। बाद में इसकी मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना इंजन में ब्लास्ट होने के कारण हुआ था जिसमें इंजन के टुकड़े खिड़की पर आकर लगे जिससे क्रैक होकर खिड़की टूट गई थी। कैप्टन ने 32,000 फीट की ऊंचाई को तुरंत नीचे लाकर इमरजेंसी लैंडिंग की थी।
आपको बता दें, ऐसी घटनाओं में विमान भी असंतुलित हो जाता है। ऐसे में कुशल कैप्टन ही यात्रियों को कम से कम नुकसान या बिना नुकसान के बचा सकता है। अब आखिरी में एक सवाल आपसे, आखिर फेविकॉल अपने डब्बे से क्यों नहीं चिपकता, जबकि उसे कोई दूसरी चीज पर लगाते ही वो चिपक जाता है, फिर वो अपने डब्बे में ये क्यों नहीं चिपकता? अगर आपके पास है जवाब तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका जवाब सही हुआ तो हम आपके नाम के साथ अगले वीडियो में उसे मेंशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूले, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंटरेक्ट आइडिया।